हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों, जब हम घर में कभी जो चना या मूंग या कोई भी स्प्राउट्स उगाना चाहते हैं, कुछ भी जो सीड होते हैं उनको जर्मिनेट करना चाहते हैं, तो वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाते हैं। कुछ उसमें ख़राब हो जाते हैं और कुछ सड़ जाते हैं और उतना अच्छा नहीं हो पाता है जो मार्केट जैसे जो मार्केट में तैयार करते हैं उस तरीके से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि मात्र 2 दिन के अंदर आप कैसे बहुत अच्छा स्प्राउट्स उगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको 3 इस टाइप की डलिया चाहिए। ये 10-10 रुपये की मार्केट से हम लेकर आए हैं और इसके लिए हमको जो बांधने के लिए इस टाइप का कोई वायर आपके पास पड़ा हो वो चाहिए, या फिर आप रस्सी की सहायता से भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसमें आप कभी भी भूलेंगे नहीं, आपका डेली का डेली जो स्प्राउट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे और आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस एक बार सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है और आपको लगातार मिलते रहेंगे। आप चाहें तो तार की जगह पर इस टाइप की डंडी लेकर उनमें भी ये तीनों डलिया बांध सकते हैं। इस तरीके से खड़े करके डंडी को और इस तरीके से यहाँ यहाँ 4 से 6 इंच की दूरी पर तीनों डलिया को बांधना है। तो चलिए, हम तार से इन तीनों डलियों को इस तरीके से बांध देते हैं। दोस्तों, बांधने के लिए ये देखिए, हमने तार के लगभग 1 फुट से थोड़ा ऊपर के 4 टुकड़े कर लिए हैं और इन टुकड़ों से हम जो ये ट्रे हैं इनको अच्छे से बांध देंगे। और बांधने के लिए देखिए, यहाँ पर इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें चारों तरफ से होल हैं और यहाँ किनारे पर एक होल में डालकर बस इस तरीके से यहाँ डालना है और डाल के इसको प्लास की सहायता से या फिर हाथ की सहायता से ये आप मोड़ सकते हैं। और मोड़ने के बाद इस तरीके से सारे डलिया जो है हम बांध लेंगे। चलिए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये देखिए, एक डलिया को हमने बांध लिया है और अब चलिए जो बाकी डलिया बची है उनको भी एक साथ हम जल्दी जल्दी से बांध लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने इसको हैंगिंग बास्केट के तरीके से बना दिया है। इसको आप हैंग कर सकते हैं, तार अगर आप मजबूत तार से बांधेंगे तो आप इसको हैंगिंग बास्केट के तरीके से टांग सकते हैं। और ये 3 ट्रे बनी हुई हैं, इसमें बहुत आसान है। देखिए, पहले दिन आपको क्या करना है। देखिए, हमने 2 कटोरी ली हुई हैं। एक कटोरी में धुले हुए जो चने होते हैं देसी वाले वो हमने ले लिए हैं और एक कटोरी में हमने मूंग ली है, साबुत मूंग ली हुई है। ये देखिए, चने इनको धुल लेना है। धुलने के बाद आप चाहें तो केवल चने उगा सकते हैं या फिर केवल मूंग कर सकते हैं। कोई भी आपको जिसका भी स्प्राउट्स करना है वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 जो कटोरी हैं ये टिफ़िन बॉक्स की जो कटोरी होती है वो हमने ली हुई हैं, तो दोनों कटोरी यहाँ पर आसानी से आ जाती हैं। तो इसमें अब हम पानी दे देंगे और आज शाम को हम ये कर रहे हैं, अभी शाम का समय होने वाला है, तो कल सुबह हम आपको इसका अपडेट दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, रात भर भीगने के बाद ये सुबह काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं और उनका पानी भी लगभग ख़त्म हो गया है। ये देखिए, मूँग भी, जो मूँग में हल्का हल्का फुटाव होने लगा है और जो चने हैं हमारे वो भी देखिए थोड़ा थोड़ा किसी किसी में फुटाव दिख रहा है, लेकिन ये अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब क्या करना है आगे वो प्रोसेस जान लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत ही आसान है करना, बस आपको एक बार स्टेप फॉलो करना है। अभी आप जब लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल सिंपल स्टेप हैं। ये देखिए, हल्का हल्का सा इसमें जर्मिनेशन दिखने लगा है, क्योंकि इसमें गर्मी के मौसम में मूँग का जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होता है, तो इसके लिए ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। हाँ, चने में थोड़ा सा वेट लग सकता है, तो इसका हम पानी जो है थोड़ा सा ऐसे गिरा देते हैं जो बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको कोई कपड़ा लेना है जो अच्छा हो, कॉटन का, उसको धुल लेना है अच्छे से, और हो सके तो टॉवल का जो मोटा कपड़ा होता है वो बहुत ही यूजफुल होता है इसमें, उसमें बहुत बढ़िया जर्मिनेशन होता है। और इसको देखिए, मॉइस्चर इतना रखना है कि इसको दबाने से हल्का हल्का 1-2 बूंद पानी टपके। तो यहाँ पर जो टुकड़े हैं वो हमने 2 ले लिए हैं टॉवल के, और एक टुकड़े में हम ये मूँग जो है उसको यहाँ पर रख देते हैं। और ये सेकेंड वाले ट्रे में हम कर रहे हैं, सबसे पहले नीचे वाली ट्रे में हम भिगोए थे शाम को, और सुबह हम इस ट्रे में, सेकेंड वाली ट्रे में, इसको टॉवल में कर रहे हैं। और टॉवल में मॉइस्चर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम चने का भी कर लेते हैं, चने को भी सेम टॉवल में हम ऐसे करके कपड़े में, टॉवल का कपड़ा नहीं है तो आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन कपड़ा अगर मोटा कपड़ा होगा जिसमें नमी अच्छे से देर तक रुकेगी तो जर्मिनेशन और तेज़ी से होता है। तो इसको भी हम रख देते हैं यहाँ पर। और अब क्या करना है, नीचे जो ट्रे खाली हो गई है, जो कटोरी खाली हो गई है, उनमें फिर से हमको पानी भरना है। ये सेम प्रोसेस आपको करना है, जब भी नीचे की ट्रे खाली होगी तो उसमें आपको इस तरीके से प्रोसेस को दोहराना पड़ेगा। और एक तीसरे दिन आपका ऐसा एक रूटीन बन जाएगा कि आपको कुछ नहीं करना होगा। अभी आप देखिए कैसे आगे क्या करना है।
दोस्तों ये देखिए अभी शाम का समय हो चुका है, शाम को क्या करना है, जो नीचे की हमने उसमें भिगोए थे उनको वो अच्छे से फूल चुके हैं, 10-12 घंटे हो चुके हैं, तो ये जो बीच वाले ट्रे के टॉवल में हमने रखे थे उनको ऊपर रख देते हैं, और जो नीचे की ये जो हमने भिगोए थे इनको फिर सेकेंड वाले ट्रे में डाल दे रहे हैं हम, और नीचे आपको फिर से भिगो देना है, शाम को ही आपको फिर से भिगो देना है। अब आपको क्या करना है, जब शाम को आप भिगो देंगे इसमें और इसको टांग देंगे कहीं भी शेडी एरिया में, इसको धूप में बिल्कुल नहीं टांगना है, आप जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं, लेकिन धूप में मत रखिएगा क्योंकि इसमें मॉइस्चर जो है टॉवल का कपड़े का वो उड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से इसमें मूंग डाल दे रहे हैं, केवल हम मूंग डाल रहे हैं इस समय, और इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद जो कपड़ा है ऊपर का, ये टॉवल है या रुमाल है, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी आपको डाल देना है हल्का सा, ताकि इसमें नमी बनी रहे। चलिए आपको अपडेट दिखाते हैं अब। तो दोस्तों ये देखिए ये हमने हैंग किया था यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए ये मूंग जो हमने शाम को भिगोई थी वो अच्छे से फूल चुकी है सुबह, और ये देखिए दूसरा जो रुमाल में रखा हुआ था और सबसे ऊपर वाला जो पहुँच गया था ट्रे, ये दूसरा दिन आज सुबह है, और आप अभी आपको दिखाते हैं खोल के किसको कैसा इसमें दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये जो मूंग थी उसमें कितना बढ़िया जर्मिनेशन हुआ है, ये देखिए दूसरा दिन सुबह का है और इतना ज़्यादा जर्मिनेशन हो चुका है। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ अगर उगाएंगे तो बहुत बढ़िया जमता है। देखिए जो चने थे उनमें भी अंकुरण बहुत तेज़ी से हुआ है, कोई भी दाना ऐसा नहीं है जिसमें अंकुरण ना निकला हो। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी स्प्राउट्स उगाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है उगाना। तो इसमें करना क्या है, देखिए जो शाम को हमने भिगोया था पहले दिन शाम को भिगोएंगे वो दूसरे दिन सुबह ऊपर जाएगा, सेकेंड वाली ट्रे में, सेकेंड वाली ट्रे का सबसे ऊपर जाएगा अगले दिन सुबह। तो आपको एक रूटीन बन जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको जब भी नीचे की ट्रे खाली हो उसको ऊपर बढ़ा दीजिए, ऊपर वाले को सबसे ऊपर। आप हर 12 घंटे पर, 10-12 घंटे के अंतर पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो मूंग है वो टॉवल को क्रॉस करके उसके जो जर्मिनेशन है वो निकल चुका है। तो ये देखिए हम आपको खोल के दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए मूंग जो है इसके जो जर्मिनेशन हुआ है कितना अच्छा हुआ है। इस तरीके से आप मूंग, मसूर, मटर, जो भी आपको उचित लगे, जो आपको खाना हो वो आप इसका उगा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, ये तो आपको पता ही है। ये देखिए सभी दानों में बराबर बराबर के अंकुरण निकल आए हैं। इस तरीके से चना में भी देखिए, ये देखिए चने में कितना अच्छा जर्मिनेशन हुआ है। तो दोस्तों ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, 30 रुपये की डलिया मिलती हैं। आप चाहें तो इस तरीके की कोई भी घर में भी अपने बना सकते हैं, या 3 डलिया 5-5 रुपये की जो आती हैं वो ले सकते हैं, किसी कोई भी चीज़ ले सकते हैं। बस आपको 3 चीज़ें लेनी पड़ेंगी जो आपको हर 10-12 घंटे के अंतर पर बदलना पड़ेगा, इस तरीके से एक रूटीन बनाना पड़ेगा, तो आपको बराबर बहुत ही हेल्दी फूड्स मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।